मित्रों, अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता है, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर है। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि यह कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। यहां पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है यह शराब का घोटाला तो इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की। मैं इस बात को पुनः रीएम्फेसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ की अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में पेज नंबर 10 के ऊपर जो लिखा है, 15वें पॉइंट पे, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केस का आधार नहीं बनता है, उसमें बहुत स्पष्ट कहा है, हेंस इन प्राइमा फेसिया व्यू दिस कोर्ट द फैक्ट स्टेटेड दैट द मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट नोवेयर शोज दैट द सजेस्ट दैट इज अरेस्ट इन द प्रेजेंट केस इज अनवॉरेंटेड एंड अनरीजनेबल। हिंदी में कह दें, अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवॉरेंटेड और अनरीजनेबल है, यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है यह उचित नहीं है, यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। आगे भी अगर आप देखें तो पेज नंबर 11 पे बहुत साफ साफ अदालत ने कहा है कि इन द प्राइमा फेसिया अपीयर्स दैट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट दैट दिस अमाउंट वाज डिलीवर्ड एट द रेजिडेंस, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आरोप लगे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए हैं कि आरोपी और नेता की भेंट हुई है, भेंट होने के बाद जो आरोप है पैसे की डिलीवरी का, वह भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि जजमेंट के पॉइंट नंबर 13 को अगर आप पढ़ें पेज नंबर 12 पे, तो उसमें अंतिम दो लाइनों में कोर्ट ये कहता है, दो द वेरासिटी ऑफ दीज स्टेटमेंट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ओनली,
बट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सच स्टेटमेंट हैज टू बी बिलीव्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में दोष का निर्धारण जांच के बाद होगा, पर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं वो विश्वास करने योग्य और कार्रवाई शुरू करने योग्य नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। आगे भी बिंदु क्रमांक 14 में कोर्ट कहता है, द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट एंड इट्स डायरेक्ट नेक्सस विद द एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्राइम and the present case by way of receiving the above amount of rupees 2 crores have been shown his sustained and custodial integration appears necessary। अर्थात न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ necessary अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें, तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उतराए हुए हैं। और मुझे तो वो पुराने गीत की पंक्ति याद आ जाती है, एक निकल रहा है मंत्री, फिर दूसरा डिप्टी सीएम, फिर तीसरा संसदीय दल का नेता, और अभी आगे अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो मुझे वह पंक्ति याद आती है, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। मतलब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अब ये देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है, फूड फॉर थॉट है। जो लोग राजनीति में नए प्रयोग की बातें करते हैं, यह एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है। भारत प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्व पटल पर उभर रहा है, यहां ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है, और उन प्रयोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा कितनी जल्दी उतर सकता है, यह भी समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है, और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझ रही होगी। धन्यवाद। देखिए वो वैसे तो किस किस स्पीच में क्या क्या कहते रहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना वो है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो आप उनसे ज्यादा पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, कांग्रेस वालों से। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भी हालात है, यद्यपि यह बात मैं एक बार मैंने संसद में भी कही है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए। मैं ओबीसी जैसे लोगों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो जिनको आज माइनॉरिटी कहते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके राजे रजवाड़े थे? कोई जैन रियासत थी क्या? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, या पारसी रियासत थी, या यहूदी रियासत थी? इक्का दुक्का महाराजा पटियाला वगैरह को छोड़ दें तो बस एक दो ही सिख रियासतें थी, और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी, नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। तो फिर क्या हो गया भाई? आप तो सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, क्या हो गया? इसलिए मैं जो बात बोल चुका हूं ओवैसी जी को समझना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए।
क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। नहीं क्या, कैन यू रिपीट? एक्चुअली मैं, कैन यू पॉइंट आउट एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट विच इज नॉन कंट्रोवर्शियल? देर आर सर्टेन लीडर्स हु लिव अप देयर पॉलिटिक्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोवर्सी। कहा? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का वातावरण है और पुलिस का जिस प्रकार का दुरुपयोग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने मर्डरर टाइप कहा है, कोर्ट में भी गए हैं। तो भाई, हमारी बात पर यकीन ना हो तो अपनों की बात पे तो यकीन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार अनाचार तो देख लीजिए। मगर क्या करें कि मोदी विरोध का इतना इश्तेहार आंख पे चिपक गया है कि अपनी कार्यकर्ताओं का भी उनको अत्याचार दिखाई नहीं पड़ता। वैसे उन्होंने हैदराबाद की बात कही, आज तक हैदराबाद में हमारा शासन एक दिन भी नहीं रहा है और उनका तीन तीन पीढ़ियों से वही हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। पर हैदराबाद में ही वो घटनाएं होती थी जब विदेश से लोग आते थे और 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम बच्चियों को टेक्निकली कहा जाता है कि शादी के नाम पर ले जाते थे और बेचने की, व्यवहारिक दृष्टि से वो बेचने की बातें होती थी। उसके लिए क्या बोले आज तक, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या लगातार 75 साल शासन करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल या पिछले तीन पीढ़ियों से उस इलाके में की नुमाइंदगी कर रहे आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, कहना नहीं चाहिए, कौन कैसे बदलता है। अब मुझे तो याद आता है कि जब विवादित ढांचा गिरा था तो उस रात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का वक्तव्य, कि उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप पे आरोप है कि आपके शिव सैनिकों का इसमें हाथ है, तो उन्होंने कहा यदि यह है तो मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे नेता डिफेंसिव थे, बाला साहब ठाकरे जी ने यह बात बोली थी, मगर आज तो आप उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो भाई, कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन अपने पूर्वजों की विरासत के साथ है और कौन उनके पूर्वजों की विरासत के साथ है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है बिहार सरकार का अंदरूनी मामला है तो इस बात का जवाब वहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। यदि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के प्रतिनिधि लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे उनकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। देन नाउ देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑन इट्स क्रेडिबिलिटी व्हेन देयर ओन पार्टीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन दिस इशू। None of this will stand cross-examination.
The fact of the matter is that since several months, former Deputy Chief Minister Sri Manish Sisodia ji is under jail, and that too with a proper judgment of the court. As far as there is some comments are concerned, तो मैं तो कहना चाहूंगा इनके लिए तो केजरीवाल जी कहते हैं ना भारत रत्न देना चाहिए. अभी एक से एक कैसे कैसे रत्न निकल रहे हैं आपकी पार्टी में वो दिखाई पड़ रहा है. अब ये रत्न वाले ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी धूल क्या हमारे ऊपर हट रही है या नहीं, ये उनकी बेबसी और जो उनकी वास्तविकता में भ्रष्टाचार में डूबे होने के बावजूद अब उन्हें साफ नजर आ रहा है कि हम बाकी चीजों से बच नहीं सकते. तो मुझे लगता है वो कोशिश कर रहे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा. मगर मेरा मानना है लेट द फाइनल जजमेंट कम विद अ प्रॉपर एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, देन वी शुड कमेंट ऑन एनीथिंग. प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई आज से थोड़ी चल रहा है, 2007 से जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था मौत के सौदागर शब्द, तब से चल रहा है. और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आपको पता ही है, जब उनसे पूछा गया था विदेश में कि आपने, अब तो 9.5 साल हो गए, उस समय शायद 6 ही साल हुए थे, कि आप 24/7 काम करते हैं तो इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था ना कि रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उससे ऊर्जा पाता हूं, फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं. तो वो जितना भी मोदी जी के लिए नफरत देते चले जाते हैं उतनी ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है. तो विपक्ष ये सोचता है कि वो नफरत के द्वारा इलाज कर लेगा, तो मर्ज उनके दिमाग में है, वो इलाज नहीं हो रहा है. इलाज ये हो रहा है कि मोदी जी के लिए मोहब्बत बढ़ रही है जनता की नजर में. तो वो जो पुराना शेर है उसको घुमा के मैं कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर, लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की. देखिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे वास्तविकता में 70% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको किसी न किसी योजना का कोई ना कोई प्रभाव लाभ जरूर मिला है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न गरीबों की योजनाएं ली गई हैं. मगर मुस्लिम सत्ता से दूर नहीं हो रहा है. सत्ता की सरमाएदारी और जागीरदारी चंद कट्टरपंथी लोगों ने मुस्लिम समाज की जो अपने हाथ में कर ली थी, अब मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी तक वो जिस ढंग से लोगों को अपने पीछे चला रहे थे, अब समाज के अंदर भी जागरूकता आ रही है. तो डरने की जरूरत किसी समुदाय को नहीं है, डरने की जरूरत उन जागीरदारों और सरमाएदारों को है जिन्होंने मुस्लिमों को मजलूम रखते हुए अपनी दुकानदारी और सरमाएदारी बहुत बड़ी बना के रखी. वैसे दुकानदार एक और भी है ना जो दुकान लगा के चलते हैं, तो वो भी उस दुकानदारी में शामिल है, मोहब्बत की दुकान वाले हैं.